गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, कक्षा सात में विषय हिंदी व्याकरण और वो विषय हमारा निबंध नंबर 2, श्रम की महत्ता या श्रम का महत्व। श्रम होता है परिश्रम करना या मेहनत करना। क्या होता है श्रम? परिश्रम करना या मेहनत करना। मनुष्य के जीवन में परिश्रम का उतना ही महत्व है जितना उसके लिए खाने और सोने का है। अगर हम अपने जीवन में परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर हम खाते रहेंगे, सोते रहेंगे और कुछ करेंगे ही नहीं तो खाने के लिए कहाँ से आएगा और कहाँ से हम आगे मेहनत कर पाएंगे। तो बेटा, परिश्रम का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। परिश्रम करने से जो व्यक्ति परिश्रम करता है वही आगे जाकर उसको प्रगति मिलती है। परिश्रम के महत्व का तो गीता में भी वर्णन किया गया है। गीता का जो उपदेश दिया था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा था, कर्मेण कर्म यणैव धिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, कि हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर कर्म करोगे, परिश्रम करोगे तो फल अपने आप मिल जाए। परिश्रमी व्यक्ति अपने कठोर परिश्रम से अपनी हर इच्छा को पूरा कर लेता है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, वह अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकता है। उसमें आत्मविश्वास बहुत होता है और अगर परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा तो वह अपने आत्मविश्वास को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है और उसको एक ना एक दिन फल अवश्य मिलेगा। और वह तूफान से टकराने की भी हिम्मत रखता है और उसका जो लक्ष्य है वह अपने महान लक्ष्य की ओर जरूर अग्रसर होता है, जरूर प्राप्त करता है। परिश्रम वह कुंजी है जो साधारण से भी साधारण मनुष्य को भी महान बना सकती है। जो साधारण व्यक्ति है, जो छोटा व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, अगर वह मेहनत करेगा तो वह भी उसको भी गरीबी से अमीरी की ओर ले जा सकती है। ठीक है, उसका जो लक्ष्य है वो उसकी ओर लेकर जा सकती है। परिश्रम के बारे में कहा भी गया है, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल लेगा। अगर पानी से नहाओगे तो सिर्फ आपका क्या होगा, आप जो मैले कुचले हुए हो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास को बदल देगा। अगर आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे तो आपका जो इतिहास है, जो आपका लक्ष्य है, आप उसकी ओर अग्रसर हो जाओगे, उसको प्राप्त कर लोगे। हमारे सामने बहुत ऐसे महान महापुरुष आए हैं जो परिश्रम के बल पर, हमारे सामने ऐसे अनेक महापुरुष आए हैं जिन्होंने परिश्रम के बल पर ही अपने आप को बदल दिया है, इतिहास रच कर दिखा दिया है। जैसे क्या है, जैसे शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, वो एक बहुत ही कठोर और परिश्रम करने वाले थे। वो एक गरीब परिवार से थे, जो लिंकन की तरह उनका जन्म भी गरीब परिवार में हुआ था। परिश्रम से जुड़ी एक बात, और जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वो ईमानदार, चरित्रवान और स्वावलंबी होते हैं। ठीक है, हमारे कलाम जी कहते थे कि खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ना मिले। जो हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसमें इतना वक्त लगा दो, इतना समय लगा दो कि हमें दूसरों की तरफ देखने की या बुराई करने की जरूरत ही ना पड़े। तो बेटा, अब हम इसे पाठ्य पुस्तक से रीड करेंगे। ठीक है, श्रम की महत्ता या परिश्रम का महत्व। मनुष्य के जीवन में परिश्रम का इतना उतना ही महत्व है जितना उसके लिए खाने और सोने का है। प्रकृति ने हमें अनेक संसाधन दिए हैं, लेकिन इन संसाधनों का उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो परिश्रम करने में विश्वास रखता है। परिश्रम के महत्व का
तो गीता में भी वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा था, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म ही पूजा है। जो व्यक्ति कर्म से या परिश्रम से जी चुराता है वह सदा दूसरों पर निर्भर रहता है। परिश्रमी व्यक्ति अपने कठोर परिश्रम से अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकता है। उसमें आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि उसे तूफान से टकराने में भी भय की अनुभूति नहीं होती। सच ही कहा गया है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। विश्वम के धनाढ्य व्यक्तियों का इतिहास अगर उठाकर देखा जाए तो धनाढ्य होते हैं बहुत सारे, हमें पता चलेगा कि किसी महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। परिश्रम वह कुंजी है जो साधारण से साधारण मनुष्य को भी महान बना सकती है। कुछ लोग परिश्रम की जगह भाग्य को अधिक महत्व देते हैं। वे केवल भाग्य में विश्वास रखते हैं और सोचते हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वह हमें जरूर मिलेगा, और भाग्य के भरोसे रहते रहते वे कर्महीन बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति आलस्य का शिकार हो जाते हैं। वे अपने हर काम को भाग्य पर छोड़ देते हैं। यह कायर और कर्महीन व्यक्ति की सोच होती है कि हमें भगवान देगा। अगर परिश्रम करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती है तो भी हमें भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि आत्म मंथन करना चाहिए कि हमारे परिश्रम में क्या कमी रही। परिश्रम के विषय में कहा भी गया है, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। हमारे सामने ऐसे महापुरुषों ने अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने परिश्रम के बल पर नए नए इतिहास रचे हैं। उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। अब्राहम लिंकन एक मजदूर परिवार में पैदा हुए, बचपन में माता पिता चल बसे। वहीं लिंकन अपनी मेहनत के बल पर एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। भारत में शास्त्री जी का उदाहरण हमारे सामने है। अपने कठोर परिश्रम के कारण ही उन्होंने वो भारत के प्रधानमंत्री बने। लिंकन की तरह भी उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। परिश्रम से जुड़ी एक बात और, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे ईमानदार, चरित्रवान और स्वावलंबी भी होते हैं। यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों और देश की उन्नति चाहते हैं तो हमें कठोर परिश्रम करने की आदत डालनी चाहिए। परिश्रम के बारे में कलाम जी कहा करते थे, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। तो बेटा ये ऐसे आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट करना है और कंप्लीट को लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।